हेलो, इस वीडियो में हम रिव्यू टैब के कंपेयर ग्रुप के बारे में और प्रोटेक्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा कंपेयर ग्रुप है, तो कंपेयर ग्रुप क्या होता है इसको जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट हैं और हम ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वन और डॉक्यूमेंट सेकंड में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए हम कंपेयर कमांड के द्वारा दोनों डॉक्यूमेंट में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमांड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये हमारी डॉक्यूमेंट कमांड आई, ये लिखी। ये लिखने के बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे क्लिक किया डॉक्यूमेंट में, इसको सेव कर लेते हैं। जैसे इसको यहाँ पे हमने नाम दिया A1, ये नाम वन नाम से ये फाइल सेव कर दिए। सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए सपोज करिए यहाँ पे हमने एडिटिंग की है, यहाँ पे इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ाया, ये साइज़ बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने के बाद ये जो है हमने क्या किया, इसको बोल्ड कर लिया, कंट्रोल बी, और ये बोल्ड हो गया। बोल्ड होने के बाद ये जो अगला पैराग्राफ है इसको हम यहाँ तक अंडरलाइन करते हैं, कंट्रोल यू, अंडरलाइन हो गई है। अंडरलाइन होने के बाद हम आगे क्या करेंगे, जैसे इसका हम यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने इसका चेंज कर दिया, ये इसमें रखा है। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कलर में करेंगे। जैसे यहाँ से कोई भी कलर हमने यहाँ पे चूज़ किया, ये इस कलर में कर दिया ये। और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये हमने दूसरे डॉक्यूमेंट में ये हमने एडिटिंग कर दी है। ये एडिटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। जैसे फाइल पे गई, सेव एज पे गई, सेव एज पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट में इसको नेम दे दिए यहाँ पे, जैसे A2 नाम से हमने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिए। तो ये दो डॉक्यूमेंट हमारे पास बन के आ गई है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिव्यू टैब पे जाएंगे। रिव्यू टैब पे जाने के बाद हम कंपेयर ग्रुप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे, पहला है कंपेयर, सेकंड है कंबाइन का। तो हम क्या करेंगे, दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन कंपेयर पे क्लिक करेंगे। ये कंपेयर पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कंपेयर डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कौन कौन सी फाइलों का कंपेयर करना है यहाँ पे भरेंगे। जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम लेंगे, ये यहाँ पे ओपन किया A1, इसको ओपन किया, और रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट इसको यहाँ से ओपन किया, ये A2 है, इसको यहाँ से ओपन किया। ये दोनों फाइल यहाँ पे भर दी हमने। इसके बाद ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड के पेन में, ये हमारा राइट हैंड साइड का पेन है, यहाँ पे ये हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये सबसे ऊपर है यहाँ पे, और ये जो हमारा रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है ये यहाँ इसके नीचे है ये। तो ये डॉक्यूमेंट दो यहाँ पे खुल गई, एक ओरिजिनल है और ये नीचे वाला रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है ये। तो इसके बाद ये कंपेयर डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया, ये जो बीच वाला ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है ये। तो इसके लेफ्ट पैन में क्या होगा, ये रिविजन्स की 6 रिविजन्स यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे यूज़र फॉर्मेटेड क्या क्या हुआ है यहाँ पे जैसे ये देखो, इसको फॉन्ट किया हुआ है 13, और यहाँ पे सेकंड में फॉन्ट बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है, ये भी आ गया, ये बोल्ड किया हुआ है, ये भी आ गया। आगे ये जो फॉन्ट है एडिट ब्लैक,
ये देखो ये फॉन्ट आ गया ये। इसके बाद आगे हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे कलर, फॉन्ट कलर लाइट ब्लू ये आ गया ये। और इसके बाद यहाँ पे यूज़र डिलीटेड क्या किया हुआ ये क्लिक दी प्लस साइन यहाँ पे, और ये हमारा डिलीट किया हुआ ये यहाँ पे शो करेगा। तो 6 रिविजन यहाँ पे हमने किए हुए हैं जो कि यहाँ पे शो कर रही है। तो इसके बाद हम कंपेयर पे यहाँ पे जाएंगे, तो कंपेयर पे जाने के बाद ये हमारा शो सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे, ये जो है हमारे दोनों यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। ये देखो राइट पैन में दोनों डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं शो बोथ। अगर हम चाहते हैं कि ये हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो हाइड हो जाए, ये देखो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा ये। और ये यहाँ पे जो भी हमने एडिटिंग वगैरह यहाँ पे की हुई है वो यहाँ पे ये बताएगी। इसके बाद कंपेयर ग्रुप पे अगला जो हमारा ऑप्शन है ये शो ओरिजिनल का मतलब है कि राइट पैन में यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है हमारा डॉक्यूमेंट फर्स्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने के लिए यहाँ पे राइट पैन में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो ओरिजिनल। ये देखो ये जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये राइट पैन में यहाँ पे शो करेगा। तो इसके बाद ये यहाँ से हटाना है ये, तो अगला ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो रिवाइज्ड। तो अगर इस थर्ड ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, ये राइट पैन में ये जो हमारा रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये जो रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा और जो हमारा यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो यहाँ से चला जाएगा। अगर दोनों डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो हम कंपेयर पे जाएंगे और शो सोर्स डॉक्यूमेंट के शो बोथ पे जाएंगे। ये देखो दोनों डॉक्यूमेंट जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ऊपर ये आ जाएगा और जो इसी का रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करेंगे। तो ये इसके बाद अगला कंपेयर ग्रुप का ये कंबाइन है। कंबाइन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये जो हमारा रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है इन दोनों को कंबाइन करके जो बनेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये देखो कंबाइन पे हमने क्लिक किया, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट को कंबाइन करना है तो यहाँ पे भरेंगे हम, जैसे A1 इसको कंबाइन करना है यहाँ पे भरेंगे रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे A2 इसको ओपन किया और ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद ये देखो ये जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये जो रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है इन दोनों का कंबाइन होके ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पे। ये देखो ऊपर लिखा हुआ कंबाइंड डॉक्यूमेंट, इन दोनों डॉक्यूमेंट का ये कंबाइंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन के आ जाएगा और 6 रिविजन्स में ये हमें शो करेगा कि क्या क्या हमने यहाँ पे रिविजन्स किए हुए हैं ये यहाँ पे शो करेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कंपेयर ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। लिंक ग्रुप इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने सारे लिंक यहाँ पे डॉक्यूमेंट के जो भी लिंक हैं उनको हाइड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे करते हैं ये प्रोटेक्ट ग्रुप, इसका काम क्या होता है ये। तो प्रोटेक्ट ग्रुप ये प्रोटेक्ट कमांड के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में की गई फॉर्मेटिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम पासवर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यूज़र के लिए अपने डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ने लायक बना सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर दिया तो प्रोटेक्ट करने के बाद कोई भी यूज़र है इसको पढ़ ही सकता है, इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकता है। जैसे ये देखो अभी हमने ये प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये देखो हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा यशपाल सिंह, मैंने अपना यहाँ पे नेम लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे देखो कुछ
कुछ भी यहाँ से डिलीट करते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट कीबोर्ड से प्रेस किया डिलीट और ये डिलीट हो गया। तो ये अभी हमने प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हैं। ये अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे तो ना तो हम यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रोटेक्ट ग्रुप है हमारा। इसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद इससे क्या होगा, यहाँ से हम पासवर्ड सेट करेंगे। तो ये फर्स्ट इसको भी चेक कर देंगे, ये सेकंड इसको भी चेक कर देंगे। चेक करने के बाद ये देखो, नो चेंजेस रीड ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन हम इसी ऑप्शन को लेंगे, नो चेंजेस रीड ओनली इसको लेंगे। इसके बाद ये अगला एवरीवन, इसको रहने देंगे यहाँ पे। और ये हमारे थर्ड यहाँ पे है, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये हमारे पास प्रोटेक्शन की ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ये पासवर्ड लगाया, इसको कंफर्म किया ये और इसके बाद ओके पे क्लिक किया। ये ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं सकते। ये देखो, कीबोर्ड से हमने कुछ प्रेस किया तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। अगर हम इसको जैसे ये डिलीट करना है, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस की, तो ये डिलीट भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हम ये अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के ज़रिए। तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोटेक्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट दोबारा हमने इसमें एडिटिंग या कोई भी चेंजिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड जो है उसको स्टॉप कर देंगे, प्रोटेक्शन जो लगाई हुई है उसको स्टॉप कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो राइट हैंड साइड की पेन में ये दिया गया है जैसे स्टॉप प्रोटेक्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास पासवर्ड यहाँ पे पूछेगा कि क्या पासवर्ड है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे जैसे ये पासवर्ड, और इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ से हम अब कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, तो ये देखो हमने यहाँ पे एडिटिंग कर दी। या एडिटिंग करने के बाद जैसे इसको बोल्ड करना है तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी, ये बोल्ड हो गया। या यहाँ से हमने इसको डिलीट करना है तो ये देखो डिलीट भी हो रहा है ये। तो इस प्रकार हम यहाँ से पासवर्ड इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड को लगा भी सकते हैं और पासवर्ड को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कंपेयर ग्रुप में दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना और प्रोटेक्ट ग्रुप में अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में जाना। तो इस प्रकार अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।